बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सबसे बड़ी साहिबजादी हज़रत ज़ैनब हिजरत से 10 साल पहले पैदा हुई। उस वक़्त हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 30 साल थी। आपका निकाह आपके खालाजाद भाई अबू अलास इब्ने रबी से हुआ। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना हिजरत की तो आपके साथ मदीना न जा सकी। इनके शोहर अबू अलास बदर के मैदान में कुरैश के साथ लड़ने के लिए आए और मुसलमानों के हाथों कैदी बना लिए गए। जब मक्का के कुरैशों ने अपने अपने कैदियों की रिहाई के लिए फिदिया दिए तो हज़रत ज़ैनब ने भी अपने शोहर की रिहाई के लिए फिदिया भेजा, जिसमें वो हार भी शामिल था जो आपकी वालदा हज़रत खदीजा ने आपको जहेज में दिया था। वो हार देखकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत खदीजा की याद आ गई और आप आपदीदा हो गए। सहाबा के मशवरे से यह तय पाया कि अबू अलास को बग़ैर फिदिया के इस शर्त पर छोड़ा जाए कि वो मक्का पहुंचकर हज़रत ज़ैनब को मदीना भेज दें। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू अलास के साथ दो लोग भेजे और तय पाया कि ये लोग मक्का से बाहर ठहरेंगे और अबू अलास हज़रत ज़ैनब को इन तक पहुँचाएँगे। मक्का पहुँचकर अबू अलास ने वादे के मुताबिक अपने भाई किनाना के साथ हज़रत ज़ैनब को ऊँट पर सवार करके भेजा, लेकिन कुरैश को इसकी खबर हो गई और वो आपको रोकने पहुँच गए। इन लोगों में हज़रत खदीजा के चचाजाद भाई का बेटा हबार बिन असवद भी था। इसने हज़रत ज़ैनब को नेज़ा मारा, आप ऊँट से नीचे गिर गईं और आपका हमल भी ज़ाया हो गया। हज़रत ज़ैनब के देवर किनाना ने इन लोगों का तीरों से मुकाबला किया। अबू सुफियान ने किनाना से कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी और यूं अलल ऐलान चली जाए ये तो गवारा नहीं, इन्हें इस वक्त तो वापस ले चलो, कुछ दिन बाद चुपके से भेज देना। किनाना इस पर राज़ी हो गया और आपको वापस ले गया और फिर चंद दिन के बाद हज़रत ज़ैनब को मदीना रवाना कर दिया। हज़रत ज़ैनब का यह ज़ख़्म कई साल रहा और इसी के सबब आप सन 8 हिजरी को वफात कर गईं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको दफन करने के लिए खुद कब्र में उतरे और दफन फरमाया और उतरते वक्त बहुत रंजीदा थे, लेकिन जब बाहर निकले तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक खिला हुआ था। दरियाफ्त करने पर फरमाया कि मेरी बेटी ज़ैनब के ज़ैफ के सबब मैंने रब्बे ज़ुलजलाल से दुआ मांगी कि इनसे कब्र की तंगी व सख्ती हटा दी जाए और मेरी दुआ कबूल कर ली गई। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो मेरी सबसे अच्छी बेटी थी जो मेरी मोहब्बत में सताई गई।